एक गरीब किसान परिवार जो 35-40 वर्ष से किसी जगह पे रह रहा है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, और उसको रातों रात गांजे में और शराब की अवैध फैक्ट्री दिखाकर उनको रातों रात बंद करना, जिसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, वो 35-40 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण में आयुक्त महोदय के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी एवं अन्य 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया एवं इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच ACP हरि पर्वत को आवंटित कर दी गई है। थाना जगदीशपुरा इलाके के बोदला लोहमंडी रोड पर यह विवादित संपत्ति है। इस संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसके स्वामित्व को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ रहने वाले जो कुशवा समाज के लोग हैं, उनको कब्जे से बेदखल करने के लिए पुलिस की जो साजिश थी वो यहाँ कह सकते हैं पर्दाफाश हुआ। साजिश का हाई कमान से शिकायत की गई तो सामने आया कि यहाँ रहने वाले कुशवा समाज के लोगों को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाकर उन्हें जेल भेजा था, जिसके बाद तत्कालीन SO को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई सफेदपोश हैं जो ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके इशारे पर ये पूरी जो है पुलिस द्वारा भूमिका रची गई और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई होती है।